जिसके इस्तेमाल से हम ऑफिस के काम को आसानी से करते हैं। तो चलिए जानते हैं अब एक एक करके सभी एप्लीकेशंस के बारे में, और फिर उसके बाद हम नए वीडियो में एक एक एप्लीकेशन का फिर ट्यूटोरियल करेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फर्स्ट एप्लीकेशन जो मोस्टली यूज एप्लीकेशन है वो है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है एमएस ऑफिस पैकेज का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एप्लीकेशन है, क्योंकि इसमें हम जो भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, जो भी लेटर एप्लीकेशन जो भी लिखना होता है, टाइप करना होता है, मोस्टली इसी में क्या आता है, जो भी पैराग्राफ लिखना हो, कुछ भी ऐसे कुछ भी लिखना हो तो हम एमएस वर्ड में इस्तेमाल करते हैं। और एमएस वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है। साथ ही हम ये देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को खोलने पर इसको ये कैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं और अब हम यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं एमएस वर्ड। ये वर्ड आ गया है, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये न्यू पर जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ये खुल गया हमारा एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है जिसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और लेटर वगैरह ऑफिस का यही टाइप को यहीं पे टाइप होता है। आप जो कुछ भी टाइप करना हो, कुछ दिखना हो, कहीं पेज प्रिंट निकालना हो, तब इस एमएस वर्ड में ही टाइप करते हैं और फिर उसका प्रिंट निकालते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होता है, फाइल, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रिफ्रेश, इस तरह के बहुत सारे, रिव्यू, व्यू, मेल मर्ज और व्यू, हेल्प भी होता है, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसको कि हम एक अलग ट्यूटोरियल बनाएंगे और उसमें पूरा एमएस वर्ड का जो है डिटेल्स बताएं कि एमएस वर्ड का कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दूसरा जो सबसे अधिक यूज होने वाला एप्लीकेशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का लोगो कुछ इस तरह का होता है और इसका एक्सटेंशन XLS होता है। तो हम चलिए देखते हैं कि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे कंप्यूटर पे जब खोलते हैं तो वो कैसा दिखता है। तो चलिए सर्च बॉक्स में हम टाइप करते हैं एक्सेल, ये ई डालते हैं, एक्सेल आ गया, और इसको हम खोल लेते हैं, न्यू पर जाते हैं, ब्लैंक वर्कबुक लेते हैं, और ये एक्सेल खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये है एक्सेल। एक्सेल में कुछ विशेष जानकारी जो है देंगे, इसमें बहुत सारा कोडिंग होता है, कोडिंग नहीं बोलेंगे, फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है और बहुत तरह का इसमें काम किया जा सकता है। एक्सेल में मोस्टली जो है इसमें डाटा को जमा करके रखने के लिए काम किया जाता है। ये एक्सेल का एक सेल होता है जो कॉलम और रो से मिलकर बना होता है। तो हम एक्सेल के विशेष जो है इसके कई पार्ट बनाएंगे, एक सीरीज बनाएंगे जिसमें कि आपको हम एक्सेल की विशेष जानकारी देते हैं, ठीक है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एमएस वर्ड का ये तीसरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एप्लीकेशन है। इसमें हम स्लाइड्स बनाते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अगर कहीं कॉन्फ्रेंस होता है तो लोग उसमें प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, और इसका जो लोगो है कुछ इस तरह का दिखता है, और इसका एक्सटेंशन होता है PPT माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है खोलने के बाद कैसे खोलता है, किस तरह का इंस्ट्रक्शन इंटरफेस देता है, ये देखते हैं। हम सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं PPT, जैसे ही डाला पावर पॉइंट आ गया, हमने पावर पॉइंट खोल दिया और ये खुलने में, हाँ ये खुल गया, न्यू प्रेजेंटेशन लेते हैं, ये इस तरह से खुलता है, कुछ इस तरह का खुलता है। यहाँ से न्यू स्लाइड ले सकते हैं, जिस तरह की स्लाइड लेना हो ले सकते हैं, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, बहुत सारे एडिट और एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन, स्लाइड शो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, आप इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगला एप्लीकेशन है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस भी एक पावरफुल एप्लीकेशन है। इसमें आप डाटा को एक्सेल की तरह जमा करके भी रख सकते हैं, और इसमें डाटा, उसी डाटा को आप चाहें तो इंडिविजुअल डाटा जो है प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी एमएस वर्ड की तरह किसी एक आदमी का उसमें से डाटा सर्च करके प्रिंट कर सकते हैं। इसमें फॉर्म जैसे फिलअप करते हैं हम लोग नेट पे जो फॉर्म फिलअप करते हैं, जो जिस तरह का वो फॉर्म डाटा डालने का ऑप्शन होता है, उस तरह का भी इसमें हम वो इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फॉर्म फिलिंग का ऑप्शन बना सकते हैं, और इसको इंडिविजुअल और एक्सेल की तरह डाटा जो है उस तरह, दोनों तरह से इसमें हम कर सकते हैं। तो चलते हैं ये खोलने पर किस तरह का ऑप्शन इंटरफेस देता है। सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं
एक्सेस, ये एक्सेस खोलते ही आ गया एमएस एक्सेस, वो खुल गया और ये डाटाबेस है, ये डाटाबेस क्रिएट हो गया। ये कुछ इस तरह का इंटरफेस देता है, खोलते हैं इसे टेबल बना सकते हैं, टेबल जिस जिस तरह का इसमें एक्सेल में होता है उस तरह का इसमें भी टेबल बना होता है। ये देखिए जैसे हम कुछ टाइप करते हैं ये इस तरह का, तो इसमें आप एक्सेल का भी एक्सेल की तरह ही काम होता है। इसमें कुछ डिजाइन का ऑप्शन है, क्रिएट डाटाबेस न्यू डिजाइन, तो इसमें आप चाहे तो इसमें कुछ और भी बना सकते हैं, जिस तरह से फॉर्म वगैरह बनता है उस तरह का भी इसमें आगे हम इसके लिए वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जस्ट एक ईमेल मैसेजिंग ऐप है माइक्रोसॉफ्ट का, जिस तरह से हम ईमेल भेजते हैं उसी तरह का ये भी आउटलुक मैसेजिंग ऐप है, जिससे हम कि मैसेज भेज सकते हैं। और ये इसमें भी आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाना होगा, तो आइए देखते हैं इसका ओपन करने पर ये किस तरह का इंटरफेस देता है। तो सर्च बॉक्स में हम डालते हैं आउटलुक, ये हो गया आउटलुक, और ये कुछ इस तरह से खुलता है। नेक्स्ट, यस, और ये यहाँ यूजर नेम ईमेल आई डालने के लिए बोल रहा है, उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड इस तरह से आप बना सकते हैं, उसके बाद ये खुल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है खुलता है, कुछ इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ये लुक है। ये जिस तरह से ईमेल बॉक्स होता है, मेल बॉक्स में इनबॉक्स, सेंट आइटम, डिलीट, ड्राफ्ट मेल, जंक मेल, सेम उसी तरह का, बिल्कुल सेम उसी तरह का आपको इसमें खुलता है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।